जसवाल की, आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं। मतलब यानी इतना मिच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जसवाल टेस्ट खेल रहा है, मुश्किल कंडीशन है, ये T20 से नहीं निकला, ये उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी से निकला है। हिंदुस्तान का लड़का जसवाल, ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है, दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था ये। ग्राउंड मैन ने कहा कि मैं तुम्हें टेंट में जगह देता हूं, प्रॉमिस करो तुम नट आउट वापस आओगे कल। उसने कहा आई हैव नो ऑप्शन, 190 में 200 कर गया, 200। उसने सुबह जाके हाईएस्ट रन गेटर था। और खासकर जसवाल जैसे इंग्लैंड के खिलाफ पहले रोज खेले हैं टेस्ट के, कमाल बैटिंग की, और उन्होंने बताया कि बेसबॉल नहीं जसबॉल पॉलिसी चलेगी इंडिया के अंदर, और ये एक नया अंदाज है जो उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स की पटाई करके दिखा। बादशाह होते हैं और वो माशाल्लाह से जितना उसका एक्सपीरियंस है और जिस तरह से वो खेलता है, जो उसकी फिजिक है, जो उसकी पर्सनालिटी है, he deserves। इंडिया के पास पहले ही प्लेयर्स की कमी नहीं थी, लेकिन इंडिया को एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट फ्यूचर का प्लेयर मिल चुका हुआ है यशस्वी जायसवाल की सूरत के अंदर, जो कि सेंचुरी मारता है, वो सेंचुरी मार के थकता ही नहीं है। ओ भाई, वो कहता है कि सेंचुरी को मैंने 200 में करना ही करना है। बॉल कर रहा है सामने चौका, सामने छक्का, पीछे बॉल कर रहा है, पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है, वो शॉट्स खेल रहा है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। जसवाल, ये जसवी जसवाल भाई जान, ये लड़का 200 भी कर देता है, ये लड़का 100 भी कर देता है, ये लड़का मारता भी है, और ये लड़का जो है वो घंटे के साथ साथ छनकना भी बजा देता है, और बचाता ये इंग्लैंड का ही है। मतलब जब से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की सीरीज शुरू हुई है, जसवाल ने पहले मैच में 80 रन किए, दूसरे मैच की एक इनिंग्स में 200 मार दिए, और तीसरे टेस्ट मैच की एक इनिंग्स में नॉट आउट 104, 104, 104। वेल डन एंड बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान की टीम को कोई समझ नहीं सकता, हिंदुस्तान की टीम कब क्या कर दे, किसी के दिमाग में, किसी के सोच में वो बात ही नहीं होती। तम टाटा बाय बाय गुड बाय, तो मुझे लग रहा है कि शायद अब इंग्लैंड के साथ भी यही हो गया इस टेस्ट मैच में कि टाटा बाय बाय हो चुका है उनका। वेल इट विल टेक अ मिरेकल फॉर देम टू कम बैक इनटू दिस टेस्ट मैच एंड विन दिस टेस्ट मैच और इवन ड्रॉ दिस टेस्ट मैच। हाँ, और महज 4 टेस्ट मैच खेले हैं, 17 T20 मैचेस खेले हैं, और दोनों पैटर्न के अंदर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। मगर सबसे बड़ा सवाल कि जसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों हो रहा है। मुझे याद है कि जब अशुमन गिल आए थे तो पाकिस्तान के अंदर वो बड़े फेमस हुए कि क्या कमाल खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज जब इंडिया टीम खेलने गई थी तब वो एज एन ओपनर खेलते थे, उन्होंने कुछ इनिंग्स बहुत अच्छी और शानदार। इसके स्टैट्स निकाल के देखो, सिर्फ और सिर्फ 7वां टेस्ट मैच ये लड़का खेल रहा है, और 7 टेस्ट मैचेस के अंदर 3 टाइम्स 150 प्लस स्कोर यशस्वी जायसवाल के नाम रहा है, और 2 टाइम्स 200 प्लस स्कोर। इंडिया ने इस वक्त तबाही मचा के रख दी है, 500 प्लस का टारगेट जिसको कहते हैं दे दिया है इंग्लैंड को। लग पता जाएगा अब इतनी खतरनाक किस्म की जो लीड आई है। सरफराज खान अनदर 50 डेब्यू वाले टेस्ट मैच के अंदर 250 मार दी, लेकिन जायसवाल, और भाई जसवाल ने मेला लूट लिया। शानदार किस्म का ये खिलाड़ी है, शानदार किस्म का ये प्लेयर है, और इसने जिस किस्म के तरीके से जिमी एंडरसन के करियर को तबाह किया, इतने लंबे करियर को, उसको छक्के में छक्का मार रहा है, उसके खिलाफ ऐसी हिटिंग कर रहा है, इतने छक्के यशस्वी जसवाल ने मार दिए कि मतलब कि ये लड़के की अगर आप 200 की बात करो तो इसने 200 तो 31 बॉलों के ऊपर इसने 200 मार दिए। द मॉर्निंग सुबह उठ के पानी पूरी लगाता है अपनी टीममेट को, रात का खाना खाने के लिए वो पानी पूरी भेजता था। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जाता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक। फिर उसने यही जसवाल राजस्थान रॉयल ने उठाया है। मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस। इंग्लैंड जैसी टीम आज रोने पे आ गई है। हिंदुस्तान की टीम ने इंग्लैंड को इतना रुला दिया है दोस्तों, इससे ज्यादा कड़क बेइज्जती और इससे ज्यादा कुटाई और दुलाई इंग्लैंड की किसी ने आज तक नहीं की होगी। ये जो अबू धाबी में प्रैक्टिस करने गए हुए थे ना दूसरे टेस्ट मैच के बाद, के जी हमें इंडिया में अच्छी पिचेस नहीं मिलती, बेटा घुसा दिया उधर ही, घुसा दिया पाकिस्तान में। ये जसवी जसवाल ट्रेंडिंग कर रहा है, ट्रेंडिंग पे आ जाए जसवी जसवाल, के जिस दलेरी के साथ वो बंदा बैटिंग करता है, जिस दलेरी के साथ वो लड़का खेलता है, उसकी बैटिंग देख के मजा आ जाता है, उसकी बैटिंग देख के चसा आ जाती है कि ऐसे बैटिंग की जाती है। जसवाल जैसा अटैकिंग नेचर वाला बल्लेबाज, जो कि मैं समझता हूं कि बाय बर्थ एक अटैकिंग नेचर है उसकी, और वो उसका सिस्टम ही अटैकिंग है, तो उसने बनने की कोशिश नहीं की जो रूट की तरह, वो है ही एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ। उसने आज अगेन जो बल्लेबाजी की है, कमाल की है, एक और सेंचुरी। जसवाल इज अ स्पेशल टैलेंट, समवन हु डिजर्व्स लॉट ऑफ दीज रन्स, और मैं ये समझता हूं कि वो करेगा, वो बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है, फ्यूचर का इंडिया का बड़ा बल्लेबाज है। ठीक है, कभी वो नाकाम हो जाएगा, लेकिन जब उसका बल्ला चलेगा ना, वो वन साइडेड बना देगा सिचुएशन को। इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है, और जुनून तो है ही है इसके अंदर।
और ये हिंदुस्तान से खेलेगी खेले ये गारंटी है। जिस सच्चाई में बहुत अच्छा खेला, नो डाउट, नो क्वेश्चन अबाउट इट, बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ा जबरदस्त खेला है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज टीम जो लगी, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी हिंदुस्तान में, दे लुक्ड वेरी मैच्योर। रोहित गॉट आउट अर्ली आफ्टर स्कोरिंग 19, उसके बाद जायसवाल ने और गिल ने, यंग प्लेयर्स हैं, फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट का, बड़ी रिस्पॉन्सिबिली, दोनों फेल हुए थे फर्स्ट इनिंग्स में, बट द वे दे बैटेड सो रिस्पॉन्सिबिली इन द सेकंड इनिंग्स, मतलब दोनों ने इतनी अच्छी पार्टनरशिप की और इतने कमाल तरीके से खेला है, उनको पता चल गया था कि भाई इस पिच में कुछ दम नहीं है, मतलब ये पिच बहुत अच्छा खेल रही है आज, तो उन्होंने उसी हिसाब से खेला। मतलब जयसवाल वेटेड टिल ही हैड सेटल्ड टिल द इनिंग्स हैड स्टेडीड अ बिट, उसके बाद जो 35 के बाद जो उसने मारना शुरू किया यार, मतलब वो देन ही वेंट टू इनटू टिपिकल जो उसका T20 खेलने का स्टाइल है ना, उस स्टाइल में वो खेल रहा था। ये तो तेज खेल रहे, जो बेसबॉल का धुआं मचाया हुआ है, पागल बनाया हुआ है, बेसबॉल का रियल बेसबॉल नहीं है, जेसबॉल है जो ये लड़का खेल रहा है। ये अपनी नेचुरल गेम खेलता है, अपनी नेचुरल गेम से क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है कि आप ये देखें कि बैक टू बैक 200, सेकंड टेस्ट मैच के अंदर 200 आया, तीसरे टेस्ट मैच के अंदर दोबारा से 200 आ गया। ये कोई कम चीज नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, और इसको एडमिट करना पड़ना है कि इंडिया जिसको कहते हैं एक बहुत बड़े खिलाड़ी को प्रोड्यूस कर चुका हुआ है। शुभमन गिल का पिछला साल था, ये वाला साल यशस्वी जायसवाल के नाम है, जिस किस्म की जायसवाल परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है, माइंड ब्लोइंग, सुपर, इसका मुकाबला ही नहीं बन रहा भाई, इसका मुकाबला बन ही नहीं रहा, सिंगल हैंडल लेके चल रहा है। आज गिल भी सेंचुरी डिजर्व करता था, रन आउट हो गया 91 के ऊपर, उसने भी शानदार बैटिंग की, उसने भी दिखाया कि मैं अभी तक जिसको कहता हूं ना कायमो दाइमो। सरफराज खान अनदर 50, खुशी हुई देख के सरफराज खान की 50 को देख के, जिस किस्म का उसने 50 करके दिखाया, मजा आया देखने का। और जयसवाल के छक्के तो रुकते ही नहीं है ना, मतलब कि ये बंदे को आप देखे, जो बंदा इतनी देर से खेल रहा है वो थक जाता होता है, उससे फिर जिसको कहते हैं ना सिक्सेस नहीं लगते होते, लेकिन जायसवाल आगे बढ़ बढ़ के मार रहा है, हर जगह मार रहा है। इसकी क्वालिटी ये है कि ये लेग का छक्का मारता है तो कवर का भी छक्का मार देता है, और इतनी प्यारी शॉट्स खेलता है, इतनी प्यारी खेलता है, आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारता है, दिल खुश होता है इसको देखते हुए, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसके पास बहुत टाइमिंग है, और इसको कोई किसी भी बॉल के ऊपर ये हिट कर सकता होता है। और मैंने यकीन करे, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर इतनी जिसको कहते हैं ना कामयाबी हासिल करेगा। बट व्हाई दे आर मैच्योर, द थिंक अबाउट इट, व्हाई दे आर मैच्योर नाउ, दे आर मैच्योर बिकॉज उनका कोच मैच्योर है। अंडर 19 को कोच करना है, किसको लाना है? सबसे बेहतरीन बंदे को, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन कौन निकला है? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को 5 करोड़ रुपया देंगे अंडर 19 के, तो वो आ जाएगा। कंप्लीट पैकेज, अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जाम्पल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। अगरचे साइम अयूब को मैं खुद बहुत रेट करता हूं, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के इन फ्यूचर एक बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं, मगर अभी तक की अगर एग्जांपल ली जाए कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्ट्रक्चर क्या है और भारत में क्या है, अगर उस स्ट्रक्चर से होकर कोई प्लेयर टीम के अंदर आता है तो उन दोनों में कितना बड़ा गैप है। और आप देखें कि भारत इतना टफ कॉम्पिटिशन है कि वहां पर आपको कितनी रगड़ खाने के बाद आप टीम तक पहुंचते हैं, मगर जब आप पहुंचते हैं, ये वही टीम है जो जब कभी ऑस्ट्रेलिया की हुआ करती थी कि उसमें जब कोई टीम के अंदर आता था तो नजर आता था कि यार ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रक्चर से उठकर कोई आया, अगरचे अभी भी उनका स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, मगर इंडिया का स्ट्रक्चर मुझे लगता है और कंपटीशन मुझे लगता है कि दुनिया में अब सबसे ज्यादा है, और इंडिया के अंदर कोई इस कंपटीशन से निकल के जब टीम तक पहुंचता है, ऑफकोर्स वो फिर एक नया नाम बनाता है और डिफरेंट होता है।